हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मजे में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हुआ है सुबह के 6:30 बजे से, यानी कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और मैं अभी नहा धोकर के फ्री हो चुकी हूँ और 2-4 जो कपड़े थे उन्हें भी वॉश कर लिया है। और फ्रेंड्स, आज की जो मेरी मॉर्निंग हुई थी वो हुई थी सुबह 4 बजे से। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं थोड़ा सा अपने टाइम को इंक्रीज करूँगी, बढ़ाऊँगी अपनी स्टडी को थोड़ा सा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 4 बजे से उठना स्टार्ट कर दी हूँ 2 दिन से। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, उसके बाद 6 बजे मैं चली गई थी वॉशरूम में। 2 घंटे का मेरा स्लॉट रहा था, 2 घंटे का नहीं, 2.25 घंटे का बोलेंगे, क्योंकि 15 मिनट तो मेरे लगभग उसी में चले गए थे ब्रशअप वगैरह करने में। और उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे उन्हें मैंने डाल दिया था। और फिर नीचे आई तो नीचे सुबह सुबह भाई मुझे तो चाहिए होती है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा नहीं बन पाता। मैं छोड़ने की सोच रही हूँ कि नहीं छोड़ पा रही हूँ। मुझे ना सुबह और शाम 2 टाइम ऐसा होता है कि मुझे चाय की बोलते ना लत लगना, वैसा कुछ हो गया है। बट कोई बात नहीं है, चाय पी, थोड़े से मैंने 2 टोस्ट लिए थे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैं बाल वगैरह को बना रही हूँ और बाल वगैरह पॉलिश कर लूँगी, उसके बाद फिर लगते हैं घर के कामों में। और रही बात घर की क्लीनिंग, तो नहाने के बाद मेरे पे नहीं होती है फ्रेंड्स, सच में। जो भी ये डस्टिंग वगैरह के और क्लीनिंग वगैरह काम रहते हैं वो मेरे पे नहाने से पहले करवा लो ठीक है, लेकिन नहाने के बाद नहीं होता है। इसी वजह से मैं जो नहाने का टाइम रहता है ना, काम रहता है, टाइम नहीं काम रहता है ना, वो मेरा दोपहर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 9-10 बजे का जो ब्रेक रहती हूँ ना, उस समय पर मैं करती हूँ, क्योंकि ना मुझे फर्स्ट स्लॉट मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं घर के सारे काम करती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो आज क्या हुआ था, क्लीनिंग का काम मम्मी ने कर लिया था, मैं नहाने चली गई। फिर नहाने के बाद मेरा जो किचन का काम रहता है ना, किचन में इतने गंदे नहीं होते, उसमें क्या है आप खड़े खड़े होकर काम कर रहे होते हो, खाना बनाने से रोटी सब्जी बर्तन वगैरह, तो उसमें आप इतने गंदे नहीं होते, लेकिन झाड़ू पोंछा जब करते हो ना तो लगता है यार गंदे से हो गए, तो क्या नहाने का पड़ता है कि नहा लो, तो ऐसा कुछ रहता है। बट कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय वगैरह पिया मैंने, और इसमें फिर पोनीटेल वगैरह मैंने चोटी वगैरह की, तो इसमें ना इन सारी चीज़ों में लग गया था, मुझे 7 बज गए थे, आधा घंटा चला गया था। तो अभी 7 बजे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और ब्रेकफास्ट में आज कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं था, टोस्ट और चाय हो गई थी। तो इस वजह से 1 घंटा मेरे पास अभी था, क्योंकि मैं 8 बजे से किचन में घुसती हूँ, 9:30 बजे तक मैं 1.5 घंटे में खाना कंप्लीट हो जाता है, और मेरे किचन भी समेट लेती हूँ, मतलब 1 घंटे में खाना बनाती हूँ, 1.5 घंटे में किचन समेट लेती हूँ, ऐसा मेरा रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे 7 बज रहे थे, तो अभी मैंने सोचा क्यों ना 1 घंटा और पढ़ लिया जाए। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा क्लास वगैरह नहीं लूँगी, जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को जो मैं जो बुक थी उसे मैं कंप्लीट कर रही थी, तो उसके 2 चैप्टर लास्ट के रह गए थे, तो उसको मैं 1 घंटे में जल्दी से ख़त्म कर लूँगी। लगभग 1 घंटा 15 मिनट मुझे लग गए थे। उसके बाद 8:15 बजे के आसपास से मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था, क्योंकि मम्मी को ऑफिस जाना होता, भाई वो तो समय से जाएंगी, तो खाना वगैरह बनाया, जिसमें मैंने आज आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा कुछ खास टाइम लगता नहीं है, और थोड़ा सा जल्दी था, तो मैं क्या करूँगी, साथ साथ में सब्जी काटते जाऊँगी और साथ ही साथ में उसका तड़का भी देती जाऊँगी। ऐसा नहीं करूँगी कि पहले सब्जी को चॉप कर दूँगी फिर उसके बाद अलग से तड़का देने बैठूँगी, नहीं, आज थोड़ा जल्दी था तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। और फिर इसी के साथ एक चीज़ और, कि लास्ट ब्लॉग जो मेरा रहा था, ब्लॉग बोलो या वीडियो बोलो, जिसमें कि मैंने 21 दिन का चैलेंज की बात करी थी सारी बातें, क्योंकि उसमें ना मैंने टाइम बोला था पहले कि 10 घंटे का हम रखेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था कि 8 घंटे का रखते हैं और सब लोग कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें मैंने सारी जानकारी दी थी। और मैंने बोला था कि आज हम अपना अपना टाइम टेबल बना लेंगे पूरे 21 दिन का, और जो टारगेट रहेगा वो हम एक नाइट पहले बनाएंगे कि अगले दिन का हमें कौन कौन से टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो बोल रहे थे मेरे से कि आप अपना टाइम टेबल दिखाइए, क्योंकि मैंने उसमें टाइम टेबल नहीं दिखाया था। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैं सारी वीडियो ये क्लिप शूट कर रही थी और मैं स्टडी कर रही थी, उसके बाद क्या मेरा फ़ोन एकदम से ख़राब हो गया। ख़राब क्या हुआ, जैसे ही मैं मतलब कि फ़ोन को चार्जिंग पर से निकाल रही हूँ, थोड़ा सा भी चला रही हूँ, अपने आप ऑफ होके अपने आप ऑन हो जा रहा है। चार्जिंग पर लगा करके चला रही हूँ तो बहुत अच्छे से चल रहा है, और जैसे ही चार्जिंग पॉइंट पर से निकाल रही हूँ तो फिर वो ऑफ होके ऑन हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अभी भी ना मैं जो वीडियो जो पुरानी क्लिप डली हुई है ना, तो उसे मैं चार्जिंग पर लगा करके वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करके वो मैं आप लोगों के पास भेज रही हूँ। तो 1 या 2 दिन में मैं फ़ोन अपना या तो इसे सही कराऊंगी या फिर दूसरा लूंगी, जो भी होगा। तो अगर ये सही चलेगा कल का देखूंगी तो आप लोगों के पास वीडियो आएगी, अदरवाइज़ 1 दिन का इसमें मैं स्किप करूंगी। लेकिन हाँ, 21 दिन का जो हमने चैलेंज करा था उसे हम स्किप नहीं करेंगे, हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे,
मैं अपने घर स्टडी करूँगी, आप अपने घर करना, और जितना हो सकेगा मैं पॉसिबिलिटी मतलब पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो आए, बट 1% पॉसिबिलिटी है कि शायद ना आ पाए अगर सही फ़ोन नहीं चला तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर फ्रेंड इस वजह से मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो कल मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल वाली वीडियो शूट कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से अपना टाइम टेबल बता दूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरी प्रॉब्लम की इस वजह से मैं वीडियो नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को टाइम टेबल वाली। तो फ्रेंड्स घर के सारे काम कंप्लीट किए थे, मतलब कि 9:30 हो जाते हैं तब मम्मी ऑफिस चले जाते हैं, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा रहता है कि फ़ोन चलाना, क्योंकि इतना हम भी देखो जैसे आप एक इंसान हो, मैं भी इंसान की कैटेगरी में ही आती हूँ भाई, मुझे भी फ़ोन चलाना होता है। तो इस वजह से क्या करती हूँ, आधे से पौन घंटा या एक घंटा ऐसा होता है कि मैं फ़ोन चलाती हूँ, है ना। फिर उसके बाद आराम से 11:30 से मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 11 से जो कि मैं यहाँ क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई 14 सब्जेक्ट होते हैं, उन सारे सब्जेक्टों को कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो मैं पूरे 14 सब्जेक्ट तो मैं कंप्लीट नहीं करती हूँ एक दिन में, अल्टरनेट में लेती हूँ, बट कोई बात नहीं है, 8 घंटे की तो मैं स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई तो पढ़ाई करने के लिए। और फ्रेंड्स एक सिस्टर ने कमेंट करा था कि मैं क्लास डेली कंटिन्यू लेती हूँ, और लेकिन क्या होता है उस समय मुझे अच्छे से समझ में भी आता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं सारा कुछ भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लास डेली लेनी है, लेकिन शाम को जैसे पूरा दिन आपने क्लास लिया तो शाम को सोने से पहले आप आधा घंटा या पौन घंटा अपने लिए निकालिए, जिसमें कि आपने पूरा दिन जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आपने पढ़ा तो अगले दिन जब मॉर्निंग में है तो आप अगर आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ना पूरा खराब है, क्योंकि चीजें देखो हमारा ह्यूमन माइंड है वो एक समय तक ही चीजों को याद रखता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा।